गाजियाबाद स्थित विजयनगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर में होटलों में चल रहे देह व्यापार की शिकायत पर शनिवार को पुलिस ने छापा मारा। मौके से पुलिस को दो होटल में से तीन जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले। मामले में पुलिस ने तीन युवती व महिलाओं को रेस्क्यू किया है और तीन युवक व दो होटल मालिक व प्रबंधक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि काफी दिनों से विजयनगर क्षेत्र में होटलों में देह व्यापार चलने की शिकायत मिल रही थी। शनिवार को मामले में टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया तो होटल ड्रीम एम्पायर होटल स्टे इन में से तीन जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले। उनके पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। एसीपी ने बताया कि इस मामले में मुजफ्फरपुर बिहार निवासी मोहम्मद नाजिर, गौतम बुद्ध नगर निवासी आकाश व पवन और होटल ड्रीम एम्पायर के मालिक अजब सिंह चौधरी, होटल स्टे इन के संचालक स्वाति कटारिया व प्रबंधक मोहित को गिरफ्तार किया गया है। एसीपी ने बताया कि होटल में रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारियों के पास से भी आपत्तिजनक सामान मिला है जो होटल में आने वाले युवक और युवतियों को उपलब्ध करा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ जोड़ों को होटल संचालकों द्वारा घंटों के हिसाब से कमरे उपलब्ध कराए जा रहे थे जिनसे वे 500 से 2000 रुपए तक कमरे का शुल्क लेते थे। साथ ही अकेले आने वाले ग्राहकों को होटल में काम करने वाले कर्मचारी युवतियां भी उपलब्ध करा रही थी। एसीबी ने बताया कि तीनों होटलों को सीज करने व लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।